दिल्ली मात्र देश की राजधानी नहीं बल्कि पूरे भारत का दिल है। दिल्ली को एक आधुनिक राजधानी का प्रारूप देने के लिए विकास कार्य निरंतर तीव्र गति से चल रहे हैं। भारत के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली के विकास के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं और इसी कड़ी में शामिल है पुनर्विकसित प्रगति मैदान परियोजना का अभिन्न अंग प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर। मथुरा रोड, भैरव मार्ग और रिंग रोड दिल्ली के अति महत्वपूर्ण मार्गों में आते हैं। इंडिया गेट, चिड़ियाघर, पुराना किला, प्रगति मैदान, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रमुख इंस्टीट्यूशनल लैंडमार्क्स होने से यहां सामान्य से अधिक यातायात प्रवाह रहता है, जिसके कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। भारत सरकार की पहल पर प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर के तहत 923 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय टनल और 5 अंडरपास बनकर तैयार हैं। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से आईटीओ से डीपीएस तक 6 ट्रैफिक सिग्नल्स हटने से पूरा मथुरा रोड तथा भैरव मार्ग सिग्नल फ्री हो जाएंगे। परियोजना का मुख्य आकर्षण है 1.3 किलोमीटर लंबी 6 लेन टनल जो पुराना किला रोड से शुरू होकर रिंग रोड तक जाती है। इस टनल की चौड़ाई 28 मीटर से लेकर 42 मीटर तक है। ये भारत की सबसे चौड़ी शहरी टनल होने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत का एक नायाब नमूना है, क्योंकि इसका निर्माण एवं डिजाइन पूर्णतः स्वदेशी इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। मथुरा रोड और रिंग रोड के ट्रैफिक एवं रेल यातायात को बाधित किए बिना टनल बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। बॉक्स पुशिंग जैसी जटिल तकनीक का उपयोग कर 1300 टन वजनी प्री कास्ट बॉक्सेस को क्रमवार भारतीय रेलवे के अतिव्यस्त 7 रेलवे ट्रैकों के नीचे से निकाला गया है। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि प्रगति मैदान के नए प्रदर्शनी भवन A6 का निर्माण भी टनल के ऊपर ही किया जा रहा है। ये टनल भारत ही नहीं विश्व में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। यही नहीं, यात्रियों की सहूलियत के लिए टनल में अनेकों सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि स्मार्ट LED लाइटिंग्स, 24 आवर ऑटोमेटिक पावर बैकअप, CCTV मॉनिटरिंग, व्हीकुलर मैनेजमेंट सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, डिजिटली कंट्रोल्ड वेंटिलेशन फैंस, डिजिटली कंट्रोल्ड वाटर पंप्स और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। टनल को पुनर्विकसित प्रगति मैदान की भूमिगत पार्किंग से भी जोड़ा गया है, जिससे प्रदर्शनी के समय यहां आने वाले दर्शकों को सुविधा होगी। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से ट्रैफिक आवागमन सुगम होगा, जिससे सालाना 55 लाख लीटर ईंधन की बचत होगी और साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी। अंडरपास और टनल की दीवारों पर सुंदर आर्ट वर्क्स भी बनाए गए हैं। विशेषकर टनल को 6 ऋतुओं के आधार पर सजाया गया है। विश्व में ये पहली सुरंग है जिसकी दीवारों पर इतने बड़े पैमाने पर कलाकृतियां बनाई गई हैं। टनल से गुजरते वक्त इसका हर हिस्सा ऋतु के अनुसार भारतीय संस्कृति की झलक अलग अंदाज में पेश करेगा। प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और मार्गदर्शन में हो रहे विकास कार्य प्रगति के नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना दिल्ली के जन जन को प्रदूषण एवं जाम से मुक्ति दिलाने के साथ ही देगी विकास को एक नई रफ्तार।